अभी तो इस परिंदे की उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांगा है समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड मोहम्मद वकार खान, कमांडो ट्रेनिंग के 13 डे में आपका वेलकम करता हूँ, जहाँ पे हम डेली हर दिन सीखते हैं मॉर्निंग 11 to 12 PM की कैसे हम अपने बिजनेस को और नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आगे अगर मैं अपनी थोड़ी से बात करूँ, तो बाय प्रोफेशन मैं एक स्टूडेंट हूँ। अभी मेरे फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ, तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड में ज्यादातर जो लोग हैं, जैसे मेरे फादर हो गए, मेरे चाचा हो गए, फिर कम से और मेरे मामा, ये सारे गवर्नमेंट जॉब में, इवन मेरे कजन्स हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में ही लगे हुए हैं। तो बचपन से मेरा एक माइंडसेट था, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट टू द जॉब्स एंड प्रोफेशन, कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना, मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। अब जब मैं कॉलेज में आया, तो ये चीज और ज्यादा मेरे माइंड में घूमने लगी कि यार मुझे अब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और मुझे खुद का अपना कुछ स्टार्ट करना है। बट खुद का स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली जो सबसे, जिसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो पैसा नहीं होता, वो होता है एक्सपीरियंस। मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, बहुत सारे स्टेबल बिजनेस टाइकून्स हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसा कौन सा चीज, ऐसी कौन सी बिजनेस स्टार्ट करेंगे जहां आपको जो है, क्या कहते हैं, कॉम्पिटिशन ना मिले? तो इस केस में मेरा ये माइंडसेट था कि भाई मुझे ऐसा कोई मेंटोर मिले, ऐसा कोई गाइडेंस देने वाला मिले जो मुझे बिजनेस प्रॉपरली सिखाए। ठीक है, मेरी मुलाकात फिर सजी सर से हुई, इसी दौरान मेरे ग्रेट मेंटर मोहम्मद सजी जी, तो उन्होंने मुझे मोदी के बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मुझे यहाँ के जो सबसे अच्छी और खूबसूरत बात यही लगी कि यहाँ पे अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े, स्टेबल आपको बिजनेस टाइकून्स आपके हैंड होल्डिंग सपोर्ट करके आपको बिजनेस में हेल्प करते हैं और गाइड करते हैं आगे बढ़ने की। फिर क्या था, फिर तुरंत मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। आज एक बहुत एग्जीक्यूटिव लेवल डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे हूँ मैं, बीइंग अ लेवल। और अगर मैं बात करूं अपने ऑल ओवर इंडिया, मेरी टीम रन कर रही है, एंड साथ बाई साथ इसी साल के एंड तक, विद इन द जनवरी, जनवरी में बेसिकली मेरा बर्थडे आता है, तो आई हैव प्लान्ड iPhone 12, जो कि मैं इंशाल्लाह मोदी केयर से ही लूंगा। तो आगे बात करते हैं आज की सेशन के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइटी गार्ड और एनवायरो चिप पे। जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल जो डिजिटल एरा चल रहा है, जैसे कोई भी बिजनेस हो गया, कोई भी जॉब हो गया, कॉलेजेस, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें डिजिटली हो रही है। तो हमारा जो फोन, लैपटॉप, वाईफाई, इंटरनेट, इन सब से एक, जिसे कहते हैं, अलग सा रिश्ता जुड़ चुका है। तो इस केस के लिए कि आपको क्या लगता है कि हम जब किसी चीज को इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसमें इतना ज्यादा इंडल्ज है, तो वहां से हमें क्या फायदे मिलते होंगे? ऑब्वियसली हर चीज के फायदे हैं, लाइफ ईजी हो गई है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट साथ में साथ नुकसान भी है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम मोदी केयर, हमारी लाइफ में जो ये डिजिटल एरा है, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन देने के लिए हमारे पास मोदी केयर के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला माइटी गार्ड है, और माइटी गार्ड जो है बेसिकली आपके डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट करता है। माइटी गार्ड के बारे में और अच्छे से जानने के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मनस्वी जी की, मनस्वी जी को। मनस्वी जी एक बेसिकली स्कूल गोइंग और बहुत ही प्रिटी बेसिकली लीडर है, जो मोदी केयर की सेकेंड जनरेशन लीडर है। अपनी मदर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मोदी के बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, और आज हमें वो गाइड करेंगी कि कैसे माइटी गार्ड हमारे जो भी डिजिटल प्रेजेंस है, डिजिटल डेटाज है, उनको प्रोटेक्ट करता है और हमारा काम जो है और भी ज्यादा डिजिटल वे में आसान करता है। तो मनस्वी, बहुत जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा मनस्वी जी का। मनस्वी जी, ओवर टू यू। थैंक यू वकार जी, मेरा इतना बहुत बढ़िया तरीके से वेलकम करने के लिए। सो गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले तो आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस सुनहरे लीप प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने का मौका दिया है। तो मैं मेरे सभी गुरु को, समी सर, सुरेखा मैम, निशांत सर, हमारे ग्रुप के मेंटर पवित्रा मैम, और मेरी फेवरेट, मेरी अपलाइन, मेरी मम्मी सुवर्णा घरकर, और मेरी अखे फैमिली को मैं नमन करते हुए आज का प्रेजेंटेशन चालू करने वाली हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम मनस्वी विवेक आघारकर है, एक स्टूडेंट हूँ, और जैसे वकार जी ने कहा, एक सेकेंड जनरेशन हूँ। मेरी मम्मी के साथ ये बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। मेरी मम्मी आज सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाइटल पे है, और हम ऑलरेडी कार फंड में आ चुके हैं। हमारे बहुत बड़े सपने हैं कि बांद्रा में 1000 square feet का टेरेस फ्लैट लेना है। अभी ड्रीम कार अलाउंस चालू हुआ है, मतलब ड्रीम कार भी बहुत जल्दी आने वाली है। और मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है। मैं 100% श्योर हूँ कि ये सभी सपने मोदी केयर से पूरे होने वाले हैं। अगर टीम की बात करें तो टीम भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। मम्मी को इंक्लूड करते हुए हमारे टीम में 7 गोवा क्वालिफायर्स निकले हैं, और बहुत अच्छे से लीडरशिप ग्रो हो रही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे वेल के जो प्रोडक्ट्स हैं, हम सभी को पता है कि हमारे हेल्थ का सुरक्षा कवच बनाते हैं, पर क्या आपको पता है हमारे मोबाइल सिक्योरिटी का सुरक्षा कवच कौन बनाता है? अगर आपको नहीं पता तो डटे रहिए, आपको थोड़ी
टाइम में समझेगा। सो अभी हम सब डिजिटल एरा में आ चुके हैं, हमारी फोन पे डिपेंडेंसी 100% हो चुकी है। अगर हमें कुछ याद करना है और हमें याद नहीं हो रहा है तो हम पहली चीज फोन के नोट्स खोलते हैं और उसमें पासवर्ड जो जो इम्पोर्टेंट है सब हम लोग सेव करना चालू कर देते हैं। पर ये सब डेटा किस हद तक सेफ है और अगर अनसेफ है तो हम क्या कर सकते हैं? हम डेटा सेव करना छोड़ दे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी के लिए हमारे समीर मोदी सर ने, जैसे उनके हमारे हेल्थ की परवाह है वैसे ही उनको हमारे प्राइवेट डेटा की परवाह है, इसके लिए हमारे मोबाइल सिक्योरिटी का सुरक्षा कवच यानी माइटी गार्ड, टेक कैटेगरी का माइटी गार्ड आज उन्होंने लॉन्च किया है और उसका प्रेजेंटेशन डेमो के साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो हमारा मोदी केयर का माइटी गार्ड है वो कुछ ऐसा दिखता है। जब हम इसे ऑन करते हैं ये हमें हमारा 4-डिजिट पिन मांगता है। हम जब माइटी गार्ड परचेज करते हैं तभी हमें हमारा ईमेल, हमारा पासवर्ड और हमारा 4-डिजिट का पिन हमारे मनपसंद का सेट करके हमें ये ऐप ऑन करना है। तो ये हमारा होम पेज है। तो माइटी गार्ड में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 फीचर्स है, वो भी वन स्टॉप डेस्टिनेशन, एक ही ऐप में 8 ही के 8 ही फीचर्स है। तो आज हम उसके डेमो देखने वाले हैं। सबसे पहला फीचर है ऐप लॉक। ये ऐप लॉक बहुत ही ज्यादा अभी नेसेसरी हो चुका है क्योंकि हमारे पेरेंट्स के फोन चिल्ड्रन के पास होते हैं तो कहीं भी कुछ कहीं भी मनी ट्रांजैक्शंस वगैरह गलती से हो जाते हैं तो हमें ऐप लॉक करना बहुत जरूरी है। वैसे ही हमारे नोट्स को भी लगाना बहुत जरूरी है। तो ये ऐप लॉक की मैं आपको अभी एक डेमो करके दिखाती हूँ। ये जो अभी प्लस का साइन है, ये प्लस के साइन पे हम लोग क्लिक करेंगे और एक ऐप को लॉक करेंगे। देखते हैं कि ये ऐप लॉक हो चुका है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऐप ओपन होने से पहले ये माइटी गार्ड का विंडो आ रहा है। यदि मैंने ये पासवर्ड डाला तो ही ये ऐप ओपन होने वाला है। अब जैसे कि ये देख सकते हैं ये ओपन हो गया। अभी आगे चलते हैं हमारे सेकंड फीचर की ओर। हमारा सेकंड फीचर जो है वो है इंट्रूडर अलर्ट। किसी भी बाहर के व्यक्ति ने अगर आपके फोन में गलत पासवर्ड डाला तो ये इंट्रूडर अलर्ट का फीचर वो इंट्रूडर का सेल्फी खींचता है। ऐसे हमें उसको एक्टिवेट करना है। तो अभी कितने अटेम्प्ट्स में हमें ये सेल्फी खींचना है ये हमें डिसाइड करना है। तो अब मैं आपको दिखाने के लिए 1 अटेम्प्ट कर रही हूं। जस्ट अ मिनट। ओके, नो प्रॉब्लम, एक सेकंड। ओके, कोई बात नहीं, तो हमें इसको एक्टिवेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटी थेफ्ट, ये मेरा बहुत ही फेवरेट फीचर है क्योंकि अभी इस एरा में अगर हम लोग का फोन गुम हो गया तो एक तो मिलने के चांसेस बहुत कम है, मतलब हमें नया फोन खरीदने का हम लोग को ऑप्शन बच जाता है। तो ये एंटी थेफ्ट हमें क्या क्या फीचर्स देता है? 4 फीचर्स देता है। एक तो लोकेशन ऑफ द डिवाइस, तो ये जो लोकेशन है वो लोकेशन ओपन होता है। सेकेंड इज लॉक डिवाइस रिमोटली, मैं इधर बैठ के मेरा फोन जिधर गुम हो गया है मैं इधर से उसको लॉक कर सकती हूँ। रिमोट सायरन, में इधर से सायरन प्ले कर सकती हूँ। और स्नैपशॉट ऑफ द थीफ, मैं इधर से जिसने मेरा फोन चोरी किया है अगर उसने मेरा फोन ओपन किया तो उसका फोटो इधर तुरंत आ जाएगा। जस्ट अ मिनट। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है, तो हम लोग को ये एक्टिवेट करने के लिए antithef.modicare.com पे हम लोग को क्लिक करना है। तो आपको किसी दूसरे डिवाइस से ये क्रोम पे ओपन करना है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कैसे चलता है। ओके, आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। इधर आपका आता है लॉगिन आईडी और पासवर्ड, उसे हम लोग को लॉगिन करने का है।
और आप इधर देख सकते हैं मेरा डिवाइस मॉडल यूजर नेम, इधर अभी स्टेटस जो है वो है सेफ है। हम लोग सेफ से उसको लॉस्ट कर देंगे, जस्ट अ मोमेंट। वेरी सॉरी, थोड़े टेक्निकल ग्लिचेस है इधर। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी एंटी थेफ्ट के बाद आता है बहुत ही अच्छा फीचर जो है प्राइवेसी एडवाइजरी। ये जो माइटी गार्ड का फीचर है वो बताता है कि हमारे कौन से एप्स हमारे प्राइवेट इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं, और जब भी वो एप्स हमारा डेटा कॉपी करेंगे तभी ये स्क्रीन आएगी कि माइटी गार्ड प्राइवेसी एडवाइजरी इज ओपन। तो जैसे कि हम लोग के प्राइवेट डेटा किधर रहते हैं, कैमरा, माइक्रोफोन, स्टोरेज, कॉन्टैक्ट्स, फोन, लोकेशन और बॉडी सेंसर्स। आइए आगे बढ़ते हैं, आता है पेरेंटल कंट्रोल। अभी पेरेंटल कंट्रोल मतलब अभी हमारे जो डिवाइसेस है, मैंने जैसे कहा कि पेरेंट्स के पास रहते हैं, तो साइट्स जो है अनवांटेड साइट्स हमें ब्लॉक करना बहुत ही जरूरी है। तो ये माइटी गार्ड वो साइट्स को ब्लॉक करता है। हमें ये एक्टिवेट करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं इधर एक URL डालना है। URL इज नथिंग बट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जो वो साइट का आईडी है हमें उसको डालना है और ऐड कर देना है। तो ये जो साइट है वो ब्लॉक लिस्ट में ऐड हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, कॉल ब्लॉकर। सभी के फोन्स में ये ऐप होता है पर कई फोन्स में नहीं रहता है। तो बहुत से नंबर्स रहते हैं वो बार बार कॉल करके हमें बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, तो हम उनको ब्लॉक करने के लिए कॉल ब्लॉकर हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। इधर आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है वो ब्लॉक हो चुका है और इसको माइनस करके हम लोग अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आगे की फीचर की ओर। वो फीचर है सिक्योर VPN। ये सिक्योर VPN बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी जब हम लोग बाहर जाते थे हमारा वाईफाई जब ओपन रहता था तभी हमारा फोन ओपन वाईफाई से कनेक्ट होके हैकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते थे। जैसे कि हमारा एयरपोर्ट का वाईफाई हो, हमारा होटल्स में वाईफाई होता है। तो ये जो सिक्योर VPN का ऐप है वो हमें सिर्फ सिक्योर कनेक्शंस को ही हम लोग को ये करने देता है, कनेक्ट करने देता है। इधर आपको एक ऑप्शन मिलता है आपको कौन सा सर्वर चूज करना है। सपोज आपको इधर बैठ के कोई यूके की सीरीज देखनी है तो आप यूके का सर्वर इधर ये कर सकते हो। आपका आईपी एड्रेस भी सेम रहेगा और आप बहुत आराम से आपका सीरीज ये देख सकते हो। उसके बाद आता है डेटा ब्रीच, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा डेटा अभी बहुत ही कीमती हो चुका है, तो ये हमारे ईमेल्स में हमारा ईमेल कितने बार हैक हो चुका है ये हमको बताता है। हम लोग चेक ईमेल करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये ईमेल आईडी पे 3 बार जो हैकर्स को ये ईमेल आईडी 3 बार मिल चुका है। हम लोग और एक इसे ट्राई करेंगे ईमेल आईडी से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ईमेल आईडी जो है ये ईमेल आईडी 1 भी बार हैक नहीं हो रहा हुआ है। तो इधर आएगा कॉन्ग्रेट्स, योर ईमेल हैजंट अपीयर्ड इन एनी ब्रीच येट। तो हमारा अभी अभी क्या अभी हम लोग को अगर पता नहीं है कि हमें कैसे यूज करना है तो हमें ये नीड हेल्प का ऑप्शन दबाना है। इधर 3 ऑप्शन आते हैं, कैंसिल, FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस और सबमिट रिक्वेस्ट। तो हम लोग सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे आपका नाम, आपका MCA नंबर और आपका कॉन्टैक्ट और ईमेल। कैटेगरी में मैंने अगर एंटी थेफ्ट चूज किया और हम लोग डालते हैं आई डो नॉट नो हाउ टू यूज,
और उसके बाद हम लोग सबमिट रिक्वेस्ट कर देंगे। माइटी गार्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स अगले 24 आवर्स में हम लोग को रिवर्ट करेंगे जो कुछ सोल्यूशन है उसके साथ। उसके बाद आता है अभी ये जो साइड मेन्यू है, ये साइड मेन्यू में हम लोग का जो अकाउंट की डिटेल्स है वो अकाउंट की डिटेल्स आते हैं। हमारा जो लाइसेंस है वो 1 ईयर के लिए एक्टिवेटेड है। और उसके बाद आता है फॉरगॉट पिन, अगर आप पिन भूल गए होंगे तो सेंड माय पिन कर सकते हैं, और अगर किसी को पिन पता चल गया होगा और आपको उसको चेंज करना पड़ेगा तो ये चेंज योर पिन पे आता है, हम लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर लॉग आउट करना है आपको लॉग आउट कर सकते हैं, और कुछ ग्लिचेस है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको पता चला होगा कि हमारा माइटी गार्ड कितना पावरफुल है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ने ये फोन को एक्सटर्नली कवर से सिक्योर कर दिया। हमारा जो ग्लास है उसको टेम्पर्ड ग्लास से कवर कर दिया, पर अंदर का क्या, हमारा जो प्राइवेट डेटा है वो डेटा हमारे जो फोन है उससे भी कीमती है। क्या आपने उसको सिक्योर कर दिया है? अगर आपने सिक्योर कर दिया है तो कंग्रेचुलेशन ये आपके लिए है, पर अगर आपने ये सिक्योर नहीं किया है तो एक कहावत है कि बेटर लेट देन नेवर, लेट करने से ही अच्छा कभी ना करना ही अच्छा है कभी ना करने से। तो आज आपका जो माइटी गार्ड का ऐप है वो इंस्टॉल करिए, और आपका जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है प्राइवेट डेटा है उसको हैक होने से बचाइए, उसको सिक्योर कीजिए। और ये बहुत ही सस्ता है, ये आपके डेली के चाय से भी बहुत ही सस्ता है, तो मैं आप सभी को ये रेकमेंड करूंगी। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू वकास। थैंक यू मनस्वी जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें समझाया कि कैसे माइटी गार्ड जो है हमारे सारे डेटा को और सारी चीजों को जो है प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मेरा जो बेसिकली इसमें फेवरेट फीचर था वो आपका एंटी थेफ्ट का था, क्योंकि जनरली एंड्रॉइड यूजर्स के साथ ये इशू आता है, चाहे आप मिड बजट का फोन लें या फिर आपके पास एक प्रीमियम सेगमेंट का फोन है, अगर इनकेस आपका फोन गुम हो जाता है तब भी आप उसको जो है रिकवर करने के लिए या फिर कहीं से ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। एंड्रॉइड यूजर्स में खासकर प्रॉब्लम आती है, और जैसे कि आपने बात बोली कि हम अपने फोन पे पीछे कवर लगा लेते हैं, आगे स्क्रीन गार्ड लगा लेते हैं, बट फोन को अंदर से या फिर हमारे प्राइवेसी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है। बट माइटी गार्ड जो है वो आपका सोल्यूशन है, आप उसे लीजिए और अपने इंटरनल डेटा को भी प्रोटेक्ट कीजिए। अब तो चलिए बात हो गई कि डिजिटल प्रेजेंस में मोदी केयर ने हमारे जो भी डेटा वगैरह उसको प्रोटेक्ट कर दिया। व्हाट अबाउट द हेल्थ? अगर हमारे हेल्थ की बात करें तो ऑब्वियसली आजकल रेडिएशन भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा, सुना होगा कि 5G लगने के लिए कितने ज्यादा यू नो बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स या फिर मॉडल्स वगैरह क्लेम्स वगैरह कर रहे हैं कि ये 5G जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो व्हाट अबाउट द रेडिएशन? बेसिकली रेडिएशन एक जो है बहुत ही डेंजर प्रॉब्लम है, तो इस रेडिएशन की प्रॉब्लम के लिए मोदी केयर के पास क्या सोल्यूशन है? तो आइए जानते हैं। इस चीज को समझने के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा अनीस जी को। अनीस जी बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट लीडर है, ठीक है, और अभी उन्होंने जो है अभी IBM में मैनेजर है, और उन्होंने NHI कैलिफोर्निया से अपनी वेलनेस जो एक्सपर्ट की ट्रेनिंग है उसे क्वालिफाई किया, उसे कंप्लीट किया है, और साथ भाई साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो स्मार्ट है तो फ्रीलांसिंग में मॉडलिंग भी करते हैं। मैं इन्वाइट करना चाहूंगा अनीस जी को। अनीस जी काइंडली जोरदार ताली के साथ आपका स्वागत है, आप आइए और हमें समझाइए कि हमारे हेल्थ और हमारी जो रेडिएशन के इफेक्ट्स हमारे हेल्थ पे उसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं मोदी केयर के प्रोडक्ट से। वेलकम अनीस जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच वकार जी फॉर सच अ वंडरफुल इनविटेशन इंट्रोडक्शन। सो गाइस, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। जैसा वकार जी ने बताया, नाम अनीस शर्मा है, मैंने क्वालिफिकेशन से इंजीनियरिंग किया हुआ है, एक एमएनसी के अंदर एज अ मैनेजर जॉब कर रहा हूँ एंड एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। ठीक है, मैंने NHI कैलिफोर्निया अपना सर्टिफिकेशन कोर्स को कंप्लीट किया है एंड फ्रीलांस मैं मॉडलिंग करता हूँ। दोस्तों, इस बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले सिर्फ कुछ अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, बट लास्ट ईयर लॉकडाउन में पैशनेट होकर बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया और आज सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हूँ। महीने के 25,000 प्लस की एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट कर रहा हूँ, और अब एक ही विजन है, जैसे लोगों का ड्रीम होता है IBM में ज्वाइन करना, IBM को ज्वाइन करके अच्छी पोजिशन को हासिल करना, और मेरा ड्रीम है IBM को रिजाइन करके नेक्स्ट ईयर VRS लेके कंटिन्यू फुल टाइम बिजनेस को बिल्ड करना।
सो सबसे बड़ा थैंक करता हूँ गॉड को कि उन्होंने मुझे बिजनेस समझने की पावर दी, इतनी सद्बुद्धि दी कि मैं बिजनेस को समझ पाऊँ. एंड दोस्तों जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है, वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग गुरु पूर्णिमा. मैं थैंक यू सबसे, मैं ब्लेसिंग्स लेता हूँ हमारे गुरु माँ सुरेखा मैम से एंड निशांत भैया जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया. तो सबसे बड़ा थैंक्स सुरेखा मैम और निशांत भैया का, जिससे जैसे हम रेगुलर डे बाई डे हम ग्रो कर पा रहे हैं, अपने आप को पॉलिश कर पा रहे हैं. एंड सेकंड थैंक्स करता हूँ हमारी मेरी अपलाइन प्रियंका भाभी का, जिन्होंने मुझे बिजनेस दिया, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस की पावर को समझाया. एंड थैंक्स टू माय हार्टलाइन डाउनलाइन. एंड रियली गाइस आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी प्रेजेंटेशन शो करने जा रहा हूँ. दोस्तों जैसे कहते हैं ना कि रेडिएशन, हमें कोई भी बीमारी हो हमारा सबसे पहले ध्यान जाता है अच्छा सीजन खराब हो रहा होगा, अच्छा एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन है, अच्छा मार्केट में बीमारी चल रही है. बट हमारा कभी ध्यान नहीं जाता कि रेडिएशन नाम की भी कोई चीज है जो जिससे हम अफेक्ट हो सकते हैं. ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो हमारे घर में बैठा हुआ है और हमें कहते हैं ना एक हमारा मर्डरर हमारे घर में बैठा हुआ और हमारा इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता. तो दोस्तों हम इससे कैसे खुद को बचा सकते हैं, मैं आपको स्लाइड शेयर कर रहा हूँ. आइए दोस्तों हम जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को, अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं एंड किस तरीके से मोदी केयर हमें अनवारो चिपर मार्ग ग्रुप के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है. दोस्तों हम बात करें रेडिएशन की, अगर बात करें तो एक ऐसा हेल्थ चैलेंज है जिससे हर रोज हर पल हर सेकेंड हम इससे जूझ रहे होते हैं. अगर हम बात करें तो घर में हर तरफ, चाहे वो आपका मोबाइल टावर हो, आपका लैपटॉप हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, टैबलेट्स, मोबाइल फोन, बेबी मॉनिटर्स, कंप्यूटर्स, हाई टेंशन वायर, हर तरफ रेडिएशन हो. इवन आजकल तो लोग अपने घर के ऊपर मोबाइल टावर्स का लगवाना शुरू कर चुके हैं. हमने एक बहुत अच्छा वर्ड सुना था आज तक, मतलब जैसी ना दिवाली आती है या दिसंबर आता है और ठंड बढ़नी शुरू होती है, बाहर फॉग होता है, हम एक बहुत अच्छा वर्ड सुनते हैं जैसे हमारी आंखों में जलन शुरू होती है, तो ना स्मॉग हो गया. स्मॉग क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, स्मॉग हो गया. बट दोस्तों क्या हमने कभी इलेक्ट्रो स्मॉग सुना? क्या हमारा ध्यान कभी इलेक्ट्रो स्मॉग की तरफ गया? व्हाट इज इलेक्ट्रो स्मॉग? आपके आस पास रेडिएशन का जो एमिट हो रहा है, आपके वाईफाई कम्युनिकेशन डिवाइस जो रेडिएशन को एमिट करें, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रो स्मॉग. जो आपको मोबाइल टावर से मिल रहा होता है, मोबाइल फोन से मिल रहा होता है, आपके कंप्यूटर से मिल रहा होता है, वाईफाई राउटर्स, बूस्टर्स एंड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. एंड दोस्तों रेडिएशन का इम्पैक्ट हर जगह अलग अलग होता है. इवन जैसा कि मैंने बताया था कि आई एम वर्किंग इन आईबीएम, इट्स आईबीएम इन आईटी कंपनी, ठीक है. एंड जितने टाइम मैं ऑफिस के अंदर रहता हूँ, जब तक भी मैं ऑफिस के अंदर रहता हूँ, मैं हमेशा बैठा होता हूँ सर्वर रूम गैजेट्स मोबाइल आसपास सिस्टम्स लैपटॉप्स कंप्यूटर के बीच में. एंड रियली गाइज वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो 100% अफेक्टेड होते हैं फ्रॉम अ रेडिएशन. आई एम जानते हैं हार्मफुल इफेक्ट क्या है. अगर हम बात करें तो टू टाइप्स ऑफ हार्मफुल इफेक्ट, अगर मैं कैटेगराइज करूं तो सबसे पहले कुछ ऐसे हार्मफुल इफेक्ट हैं जो हमें इमीडिएट दिख जाते हैं, इट्स कॉल्ड अ शॉर्ट टर्म इफेक्ट. शॉर्ट टर्म इफेक्ट में मेमोरी लॉस, ठीक है, हम भूलना शुरू हो गए थोड़ी थोड़ी बात को. दो घंटे पहले किसी ने क्या हम वो भूल जाते हैं, एक दिन पहले किसी ने क्या बोला हम वो भूल जाते हैं. इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, किसी ने थोड़ा सा लाउड वॉइस में कुछ बोल दिया या किसी हमारे बॉस ने कुछ बोल दिया या घर में छोटी सी बात होगी, हम तुरंत इरिटेट हो जाते हैं. हेडेक, यंग एज में आजकल बच्चों को सर दर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम नजर आ रही है, स्लीप डिसऑर्डर, रात भर हम करवटें बदलते रह जाते हैं और हमें नींद नहीं आती. बट कहते हैं ना दोस्तों ये तो सिर्फ छोटा सा ट्रेलर है, फिल्म तो बहुत बड़ी है, वो बाकी है भी. और वो फिल्म क्या हो सकती है? इट्स अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट. आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट है इंक्रीज द हार्ट अटैक रिस्क. आप मार्केट में ट्रैवल कर रहे हो, आप जनरली देखा गया है लोग मॉर्निंग में जॉब पे जा रहे होते हैं बाइक पे या कार में, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है. हम लोग शावर लेने जाते हैं, बाथ टब के अंदर कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, बहुत बड़ा रीजन है ये. और हम कहीं ना कहीं अच्छा मतलब बहुत बार सुना है इसको तो कुछ भी नहीं था, कोई बीमारी नहीं हुई आज तक, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बीपी भी नहीं था, फिर भी हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया. एंड कहीं ना कहीं इसका रीजन होता है रेडिएशन, जिसकी तरह हमारे इफेक्ट नहीं, जिसकी तरह हम सोच भी नहीं पाते. ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, पहले पुराने जमाने में ना बहुत 100-200 लोग में से किसी एक को कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी हुआ करती थी और लोग कहते थे कि ना ये सर में ना शायद कोई ड्रिंक करता होगा, स्मोक करता होगा, दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम है. बट दोस्तों आज तो हर चौथे घर में एक पेशेंट मिल जाता है ब्रेन ट्यूमर कैंसर का. एंड दैट वाज यार हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, हम तो नॉनवेज भी यूज नहीं करते, हम ड्रिंक भी नहीं करते, हम कुछ भी नहीं खाते, तो हमें क्यों, वी आर प्योर वेजिटेरियन. उसका बहुत बड़ा रीजन है आपका रेडिएशन, जहाँ पे हमारा ध्यान नहीं जाता. लो स्पर्म काउंट की बात करें दोस्तों, तो आजकल देखा गया न्यूली मैरिड कपल्स प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, बच्चों के लिए वो त्रस्त रह जाते हैं. उसका बहुत बड़ा रीजन है कि जेंट्स का फोन जनरली निचले पॉकेट में होता है और वो जेनिटल पार्ट को बहुत अफेक्ट करता है. दोस्तों इतना ही नहीं, आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड है, पता है, देखा मतलब मैंने जनरली नोटिस किया है कि अगर घर में कोई बच्चा रो रहा है ना, कुछ अगर लड़ रहा है, तो उसे तुरंत फोन पकड़ा दे, अच्छा ये लोग कार्टून देखो.
दोस्तों आपका फोन का जो रेडिएशन है वो एडल्ट से 10 गुना ज्यादा बच्चों पे अफेक्ट करता है। 5 साल के बच्चों, 10 साल के बच्चों का जो स्कल है उनका बहुत वीक होता है और उनके और उनकी जो अब्सॉर्प्शन पावर होती है बहुत ज्यादा होती है और उससे बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डालता है। अगर हम बात करें बच्चों में क्या क्या साइन ऑफ सिम्टम्स देख सकते हैं, इट्स अ लोअर कंसंट्रेशन, उनकी मेमोरी कमजोर होती जाती है, हेडेक, पूरे दिन थकान रहना, उनके जो फंक्शंस है कम हो जाते हैं, एंड इट्स कॉल्ड एडीएसडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम, या फिर ऑटिज्म। व्हाट इज ऑटिज्म? ऑटिज्म को छोटी सी एक दो लाइनों में से डिफाइन करूंगा। ऑटिज्म एक ऐसी डिसीज है जिसमें बच्चे अपने आप में ही गुम हो जाते हैं, वो इमोशन को ढंग से मतलब नहीं समझ पाते हैं, उन्हें जहां रोना होता है वहां हंस रहे होते हैं, हंसना होता है वहां रो रहे होते हैं, उनकी उनके जो सारा रूटीन होता है टोटल डिस्टर्ब होता है, अपनी ही दुनिया में गुम रहते हैं। और दोस्तों 1970s में तो 10,000 में से किसी एक बच्चे की प्रॉब्लम हुआ करती थी, 2012 में से इस 50 में से किसी एक बच्चे की प्रॉब्लम थी, नाउ वी आर इन 2021 जहां पे हम टोटली डिजिटल हो चुके हैं, एंड शायद अगर सर्वे को देखा जाएगा ना तो दोस्तों शायद 25 या 30 में से किसी एक बच्चे की प्रॉब्लम मिलेगी। और बहुत बार देखा जाता है कि जो रेडिएशन का इफेक्ट है वो माँ के भ्रूण में गर्भ में ही बच्चों को मिल जाता है। जब प्रेगनेंसी के दौरान जो माए हैं आसपास जो उनका एरिया है टोटली सराउंडिंग्स वाईफाई फोनलेस कॉर्डलेस फोन वाईफाई राउटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं जो उनके आसपास लगी होती हैं जिसका बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट मॉम को नजर आते हैं। दोस्तों हम हमेशा मना करते हैं दोस्तों कि बच्चों को कि नहीं आपको गलत आदतों में नहीं जाना, आपको स्मोकिंग नहीं करनी, आपको ड्रिंक नहीं करना है, इफ नॉट दिस देन बाय मोबाइल फोन रेडिएशन। ठीक है, मोबाइल फोन रेडिएशन इज मोर देन हार्मफुल देन स्मोकिंग एंड टोबैको। छोटा बच्चा है रो रहा, अच्छा फोन दे दो, 24/7 हम फोन दे देते हैं उनको, अच्छा फोन देखो कार्टून देखो हंसने लग जाओ, दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन। आपको उन्हें एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, फोन देके आप उनकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। Does radiation really matters? क्या radiation such a matters करता है? बहुत सारे लोग में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है। और दोस्तों WHO की रिपोर्ट है लियान फ्रांस 31 May 2011 में ये कंफर्म कर दिया गया था इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑफ द कैंसर ने कि वायरलेस फोन वाईफाई से ब्रेन कैंसर होता है, वो प्रूवन कर दिया गया 11 May 2015 में 190 साइंटिस्ट और 939 कंट्रीज ने मिलकर ये यूनाइटेड नेशन के जर्नल में एक न्यूज लॉन्च कर दिया। Yes, radiation is the cause of the cancer. So, ऐसे बहुत सारे researches हैं जहाँ पे proven हुआ कि आपके जो radiation है आपके cancer का cause बन सकता है, even है। And दोस्तों बहुत सारी countries में ban है cell phone का use और या wifi का use, and even limitation है वहाँ पे। अगर हम बात करें फ्रांस, कनाडा, इसराइल, इटली, बेल्जियम, स्पेन जैसी countries में 14 साल से 7 साल से कम के बच्चों को it's a prohibited है वहाँ पे कि आपको यूज कर आपको वाईफाई फोन यूज करें। इवन नर्सरी या प्राइमरी स्कूल में वहाँ टोटली बैंड है, आप यूज नहीं कर सकते हैं वाईफाई को या वायरलेस फोन्स को वहां पे। तो सिर्फ क्या आप जानते हैं, डिड यू नो कि हमें जो फोन का जो लीफलेट होता है ना, फोन का जो पैम्पलेट होता है, हम फोन लेकर आते हैं अनबॉक्स करते हैं, उसके अंदर 3-4 पेज से छोटा सा ना पैम्पलेट लीफलेट निकलता है। ठीक है, हमारा कब से जब ध्यान जाता है, बिल्कुल भी नहीं, हम पढ़ते ही नहीं। आई डोंट थिंक सो आज तक किसी ने उस लीफलेट को पढ़ के देखा होगा। दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी रिकमेंडेशन होती है। फर्स्ट रिकमेंडेशन इज दैट कि आपको पूरे 1 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट ही फोन का इस्तेमाल करना होता है, और शायद हम 6 मिनट फोन को छोड़ते हैं, इट्स अ फैक्ट। ठीक है, ईयरफोन दिया जाता है, वो ईयरफोन दोस्तों गाने सुनने के लिए नहीं होता, वो ईयरफोन आपको दिया जाता है लोगों से बात करने के लिए, ताकि आप अपने फोन को अपनी बॉडी से 5-15 mm की दूरी पर रख सकें, ताकि आपको रेडिएशन का इफेक्ट कम हो। बट आजकल का ट्रेंड क्या है, हम काम कर रहे होते हैं और फोन को कंधे में लगा के ऐसे सुन रहे होते हैं। ठीक है, एंड जो टेक्स्ट मैसेज है ना, आजकल तो फोन में वाईफाई और व्हाट्सएप एंड ऑल आ चुका है। दोस्तों पुराने टाइम में ना टेक्स्ट मैसेज का यूज किया जाता था ज्यादातर चैट करने के लिए, और उसका रीजन था कि आप रेडिएशन से सेफ हो सके। बट हम लीफलेट नहीं पढ़ते, हम उसे फॉलो नहीं करते, हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगातार कॉल पे बात करते हैं। वाईफाई का एप्पल के आईपैड के मैनुअल पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर एप्पल एयरप्लेन मोड में भी है देन इट्स आल्सो हार्मफुल फॉर यू, इट्स वो मार्क्ड है वहां पे। आईफोन की ओर वार्निंग लिखी हुई है कि अपने फोन को बिल्कुल क्लियरली अपने फोन को आप मिनिमम एटलीस्ट 10 mm अवे रखिए अपनी बॉडी से, इट्स इसका रेडिएशन आपके लिए हार्मफुल है। सेल फोन जो नॉर्मल सेल फोन आते हैं 10-15-20 हज़ार, उसमें भी प्रेफरेबली ये चीज लिखी हुई है कि अपने फोन को आप 15 mm के डिस्टेंस पे रखें। ठीक है, बट हम नहीं फॉलो करते, हम पढ़ते भी नहीं है, फॉलो तो दूर की बात है, हम पढ़ते भी नहीं है। बैकले सिटी ना कैलिफोर्निया में ये एक राइट पास कर दिया गया कि अगर आप कोई भी फोन या सेल फोन सेल आउट करें, रिटेल करें, तो रिटेलर को उसको पे बड़े बड़े वर्ड्स में ना वार्निंग
स्टिकर को चिपकाना, जैसे आपने देखा होगा टोबैको सिगरेट के ऊपर ना कैंसर का स्टिकर चिपका होता है, टोटली इट्स अ वार्निंग कि आपके इट्स कैन बी कॉज ऑफ द कैंसर, सेम एज इट इज पे लिखा हुआ है कि 5 साल के कम के बच्चों के लिए से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाधा द हार्मफुल इट्स अ कॉज ऑफ द ब्रेन ऑफ द कैंसर, ठीक है। एंड इन सारी चीजों को बहुत सारे डेवलप कंट्रीज लाइक फ्रांस, ताइवान, इटली, इसराइल, सारी कंट्रीज इन सारी चीजों को फॉलो कर रही हैं, एंड यहाँ तक कि वहाँ के नर्सरी स्कूल्स में वाईफाई एंड वायरलेस के राउटर्स को बैन कर चुके हैं। इवन एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो हमारा इंडिया का रिसर्च सेंटर है, हर कोई जानता है इनको, किसी को उसके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वहाँ के डॉक्टर मंजू त्रिपाठी HOD ऑफ द न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD है, एंड उन्होंने रिसर्च करके प्रूव कर दिया कि मोबाइल का एक्सेसिव यूज आपको हेडेक दे सकता है, आपको स्लीप डिस्टर्बेंस दे सकता है, मेमोरी डिस्टर्बेंस दे सकता है, आप इरिटेशन हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, आपकी विजन कमजोर हो सकती है, एंड इट्स ऑल द कॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन। एंड एनवायरक्स के साथ रिसर्च करके उन्होंने स्टडी करी, एंड स्टडी में पाया कि अगर आप विदाउट एनवायरो चिप अपने फोन को 5 मिनट भी यूज करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ वेव्स होती है, इट्स कॉल्ड अल्फा, थीटा, बीटा एंड डेल्टा, ठीक है। अल्फा थीटा वेव्स का काम होता है वो आपकी बॉडी के अंदर जो आपका उनकी जो वेव्स होते हैं आपकी बॉडी कितने रिलैक्स लेवल पे वो आइडेंटिफाई करती है। बट अगर आप कोई भी फोन 5 मिनट से ज्यादा एनवायरो चिप के बिना यूज कर रहे हैं, यानी कि उसमें रेडिएशन प्रोटेक्शन आपने इस्तेमाल नहीं किया है, देन दोस्तों वो आपकी वेव्स को फ्लक्चुएट कर देता है, एंड इट शोज, टेस्ट में प्रूवन हुआ है कि यस आपकी बॉडी स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो दोस्तों एम्स ने, कि डॉक्टर त्रिपाठी ने कंफर्म कर दिया कि आप एनवायरो चिप को अगर अपने फोन में फिक्स करते हैं देन यस आपका माइंड रिलैक्स रहता है, आपको स्ट्रेस कम होता है, एंड आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, आप लॉन्ग टर्म तक हेल्थी रहते हो। व्हाट इज द सॉल्यूशन? हमने इतनी बात करी रेडिएशन क्या है, रेडिएशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। प्रॉब्लम तो हुई तो सॉल्यूशन भी बताना जरूरी होता है दोस्तों। आई एम फीलिंग प्राउड कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर, एक ऐसी कंपनी के अंदर है जिसने हमारे लिए सोचा और हमारे लिए लॉन्च किया उन्होंने मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है मोबाइल टावर्स, राउटर्स, बूस्टर से, एंड सेम वी हैव अ एनवायरो चिप जो कि हम फोन में लगा के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इसको हम टैबलेट में भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं, फोन में भी यूज कर सकते हैं। मार्केट में दोस्तों आजकल एक ना लाइलाज बीमारी है, इट्स कोरोना। कोरोना का प्रिवेंशन के लिए जैसे कोई प्रोटेक्टिव एसेसरीज का यूज करते हैं, बट दोस्तों कोरोना घर के बाहर है, जब घर के बाहर जाएंगे देन आपके अफेक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। बट वहां पे भी आप अपना खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो पीपी किट, फेस मास्क, हैंड ग्लव्स से, ठीक है। बट दोस्तों जो घर के बाहर है उसके आप इतना प्रोटेक्शन ले रहे हो, बट जो आपके घर के अंदर है जिसके साथ आप 24/7/365 डेज रहते हो, उसके लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन? इट्स अ रेडिएशन जो आपके घर में, आपके, आप कहते हैं ना घर में इट्स अ साइलेंट मर्डर, साइलेंट किलर आपके घर में बैठा हुआ आपका मर्डर करने के लिए, क्या है आपके पास? यस वी हैव अ सॉल्यूशन, इट्स अ एनवायरो ग्लोब एंड एनवायरो चिप जो आपको मदद करेगा उसे खुद के प्रोटेक्शन करने में। इसकी USPs क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब, बहुत सारे लोगों के मिथ होते हैं कि हमने एनवायरो चिप लगाया तो हमारा फोन गर्म हो जाता है या उसका सिग्नल स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, ठीक है, या फिर रेडिएशन हम खत्म कर सकते हैं। दोस्तों रेडिएशन खत्म करना इट्स इम्पॉसिबल। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो आज से काफी टाइम पहले जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी हिरोशिमा नागासाकी पे जब एटम बम गिराया गया था, और एटम बम के अंदर कुछ नहीं होता, इट्स टोटली ऑफ द रेडिएशन, यूरेनियम का रेडिएशन होता है। अगर रेडिएशन को खत्म करना पॉसिबल होता तो आज तक वो उस प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे होते। इट्स अ लाइव एग्जाम्पल फॉर फ्रंट ऑफ द एवरीवन, सबके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। तो रेडिएशन को हम खत्म नहीं कर सकते, बट उसकी वेव को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और वो किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों? उसके लिए हमारे एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब हमारी मदद करता है हमारे सिग्नल स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी रिड्यूस किए बिना। आइए जानते हैं इसका एक्चुअल, इसके पीछे साइंस क्या है, जो इसके पीछे टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी इज दैट कि आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उससे कॉन्स्टेंट वेव निकल रही है। व्हाट इज अ कॉन्स्टेंट वेव? यानी कि एक दिशा में बहने वाली हवा, इट्स काइंड ऑफ, ठीक है। यानी कि जो धारा एक ही दिशा में चल रही है या एक ऐसी वेव एक ही दिशा में, यानी कि उसे डिसाइड कर लिया कि मुझे ना 360 डिग्री एंगल को ही चलना है, तो वो उसी तरफ चलेगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई उसके अंदर कोई चेंज। हम हिंदी शब्दों में, देसी शब्दों में एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, नाक की सीध में चलना, ठीक है। इट्स अ टोटली रिलेटेड टू कॉन्स्टेंट वेव, यानी कि एक दिशा जो पकड़ ली उसमें उसी को चलना है। और दोस्तों और हमारी बॉडी को जो आदत है वो रैंडम वेव की आदत है, क्योंकि हमारी जो हार्ट पल्स आपने देखा होगा वो अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप, वो रैंडमली फॉर्म में चलती है, आपने इसी चीज देखी होगी वहां पे, ठीक है। एंड जब हमारी बॉडी को जिस चीज की आदत नहीं होती ना, उसको एब्जॉर्व करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में बॉडी एग्जॉस्ट होने लग जाती है, बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ता है। और जब भी कोई भी बॉडी अपनी लिमिटलेस जाके काम करती है तो ऑब्वियसली क्या होता है, बॉडी एग्जॉस्ट होती है और बीमार हो जाते हैं। तो जब कॉन्स्टेंट वेव और आपकी बॉडी के बीच में है, अगर आप एनवायरो ग्लोब और एनवायरो चिप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एनवायरो चिप एनवायरो ग्लोब
बिना आपके सिग्नल को वीक किए हुए उस कॉन्स्टेंट वेव को रैंडम वेव में कन्वर्ट कर लिए तो हमारी बॉडी उसको इजिली अंडरस्टैंड करके उसके लिए अपने आपको तैयार कर लेती है, उसका हमारे बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। एनवायरोग्लिप हमें प्रोटेक्ट करता है मोबाइल टावर से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, सिग्नल बूस्टर से, कंपनी में रखे हुए सर्वर से, वाईफाई सिग्नल से एंड मल्टीपल मोबाइल फोन एंड टैबलेट से। इसका यूज आप कहाँ कर सकते हैं दोस्तों? इसको आप रख सकते हैं अपने बेडरूम में, अपने लिविंग रूम में, स्टडी रूम में, ऑफिस एरिया में, अपने कार में एंड अपने होटल रूम में, कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। एनवायरोग्लिप का इस्तेमाल आप विविध सजेस्ट की आप आपके घर में जहां भी वाईफाई राउटर कैमराज एंड ऑल है वहां पे जाकर रख दीजिए। एनवायरोग्लिप आपके 350 स्क्वायर फीट एरिया को टोटली कवर करता है एंड आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब एनवायरोग्लिप की चार्जिंग की बात करें तो दोस्तों कहते हैं ना इसमें भी जीरो कॉस्ट है, कोई कॉस्टिंग नहीं है। सनलाइट में रख दीजिए वीक या 15 डेज में एक बार ही टोटली चार्ज हो जाता है। इसके अंदर कार्बनिक कंपाउंड है जो टोटली चार्ज होकर आपके जो रेडिएशन है उसको उसकी फॉर्म को चेंज करता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हमारे यहाँ तो धूप ही नहीं आती, हम क्या करें? अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती, जैसे अभी देखा जा रहा है कि ना इट्स अ ह्यूमिड वेदर है, मॉनसून सीजन चल रहा है, कंटिन्यू रेन हो रहा है, अब धूप नहीं है, क्या कर सकते हैं? नथिंग टू वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबके घर में टेबल लैंप मिल जाता है, टेबल लैंप के पास रख दीजिए, जाके 15 मिनट आपका फोन आपका जो एनवायरोग्लिप टोटली चार्ज हो जाता है। एंड इसको सर्टिफाई किया गया है विद द मैक्स हेल्थ केयर, इसको सर्टिफाई किया है कि एनवायरोग्लिप एनवायरोचिप आपकी हेल्प करता है रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने में, सेम एज द यूरो ग्लोबल सर्टिफिकेशन इन द यूके। या सिनर्जी एनवायरोक्स लिमिटेड ने भी इसको सर्टिफाई किया है कि यस एनवायरोग्लिप एंड एनवायरोचिप आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर हम टेस्टिंग सर्टिफिकेशन की बात करें तो मैक्स हेल्थ केयर ऑफ इंडिया इट्स अ सी सर्टिफाइड डीबी टेक्नोलॉजी लैब कैम्ब्रिज इन यूके, सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ऑफ सिंगापुर एंड सक्सेसफुल रिसर्च एम्स, सब ने एक ही चीज पब्लिश की है। Yes, एनवायरोचिप एंड एनवायरोग्लिप आपकी हेल्प करता है खुद को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने में। एंड अगर हम इंटरनेशनल जर्नल्स की बात करें तो MIT's टेक्नोलॉजी जर्नल ऑफ द बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग इन यूएसए एंड लैंडमार्क रिसर्च इन जर्नल इन यूएसए, इन सब ने इन चीजों को पब्लिश किया है। यस, एनवायरोग्लिप एंड एनवायरोचिप इज अ हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट योर रेडिएशन। ओके, एंड दोस्तों इतना ही नहीं, मोदी केयर हमें बहुत सारे प्रमोशन देता रहता है जिससे आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप दो एनवायरोचिप लेते हैं देन आप थर्ड एनवायरोचिप आपको मिल सकता है टोटली वन रुपीज, यानी कि तीन की आप दो के कॉस्ट में तीन एनवायरोचिप मिल जाता है। अगर आप एक एनवायरोग्लिप लेते हैं देन आपको एक एनवायरोचिप फ्री मिल जाता है। तो दोस्तों लॉट्स ऑफ प्रमोशन वी हैव इन मोदी केयर। अगर हम बात करें तो कुछ प्रोजेक्ट्स एंड कुछ क्लाइंट्स हैं जो इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें तो क्लाइंट चंडीगढ़ में ऐसे क्लाइंट है हमारे जो रेडिएशन फ्री लाइफ को एंजॉय करते हैं, उनमें से एक रिपोर्ट है, शी इज अ चेयरवुमन ऑफ द अशोक परामल ग्रुप पूर्वी परामल जी, एंड शी इज लास्ट 8 ईयर से वो एस्टेट डेवलपमेंट में, एंड दोस्तों इनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है टोटली रेडिएशन फ्री है। और इसी तरीके से हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं JMR, ITC, दलित, JVK, वेदांतास, लार्सन टबो। दोस्तों जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इनका यूज करें देन व्हाई नॉट वी, हम अपने घर में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? ललित के जितने रिजॉर्ट्स हैं बैंगलोर, बेकल, चंडीगढ़, गोवा, खजुराहो, मुंबई, लंदन, इन सारी जगह की जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी प्रॉपर्टीज इट्स आर टोटली रेडिएशन प्रोटेक्टेड। एंड ललित की रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि दे नो कि रेडिएशन उनके आने वाले स्टाफ के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है, और दैट्स व्हाई उन्होंने ज्योग्राफिकली स्ट्रेस को कम करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल किया। सेम एज इट इज ITC जो लग्जरी होटल है, इवन मैं स्टे कर चुका हूँ इनमें, ITC के कुछ होटल में, एंड आई नो डैट कि दे आर रियली स्पीकिंग अ ट्रुथ, ठीक है दोस्तों। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये भी टोटली रेडिएशन प्रोटेक्टेड है। एंड नाउ अब तो GVK जो आपकी छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल में इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, एंड वो भी एक नया नया टर्मिनल इम्प्लीमेंट कर रहा है जहाँ पे रेडिएशन प्रोटेक्टेड सोल्यूशन का दे आर यूजिंग। तो जब ITC जैसे इतने बड़े बड़े ब्रांड्स यूज कर सकते हैं देन व्हाई नॉट बी दोस्तों। एंड अगर मैं बात करूं एनवायरोग्लिप एनवायरोचिप की एडवांटेजेस की, सेलिंग एडवांटेज की, तो सबसे फर्स्ट इट्स अ बेटर इम्यूनिटी, स्ट्रेस इन रिडक्शन, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। दोस्तों आजकल हम एक ही चीज पे बात कर रहे हैं बार बार कि प्लीज बिल्ड योर इम्यूनिटी। आप जितनी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे आप उतने ज्यादा सेफ रहेंगे, आपके स्ट्रेस लेवल को रिडक्शन रिड्यूस करता है। दोस्तों हम सब जानते हैं जितना ज्यादा हमारा स्ट्रेस लेवल उतना ज्यादा हम जल्दी बीमार पड़ते हैं। हाई बिजनेस वॉल्यूम प्रोडक्ट है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है ये, फर्स्ट मोर इजिली मूव हो जाता है। ना बहुत बार लोग कहते हैं कि हम किससे बात करें हमें समझ में नहीं आ रहा, कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करें, तो दोस्तों कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए इससे बेटर कोई प्रोडक्ट आपके लिए हो ही नहीं सकता। मार्केट में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, इजी टू कैरी, छोटा सा है 200 ग्राम का, आप कहीं भी इजिली कैरी कर सकते हो। एवरी वन इज अ कस्टमर, हर कोई सा कस्टमर है।
आप किसी भी के भी घर में जाइए एंड अपनी आईज को 360 डिग्री घुमा दीजिए, आपको दिख जाएगा कि यस हमारे जो पैन ग्लोब नहीं है, देन यस ही इज आवर, ही इज आवर, ही और शी इज आवर कस्टमर। नो एक्सपायरी डेट, एक बार ले लिया होल लाइफ के लिए काम करता है। मनी बैक गारंटी एंड नोबल कॉज, यानी कि दुनिया की सेवा आप कर सकते हो, लोगों को आप बचा सकते हो रेडिएशन जैसी ला इलाज खतरनाक साइलेंट बीमार साइलेंट किलर से, जो कि उनके घर में बैठा हुआ है, और इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। दोस्तों की मैं बात करूं तो मैंने रियली आई हैव, मतलब मेरे पास जितनी नॉलेज है मैंने आपको शेयर किया, इवन मैं इवन अपने लेवल पे आसपास में इसको स्प्रेड करता रहता हूं, जिससे ताकि हम अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी कम्युनिटी, अपनी कंट्री को हम सेव कर पाए। एंड दोस्तों इससे ज्यादा बेटर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप मोदी केयर के अंदर हैं तो देन आपका फर्ज बनता है, इट्स योर राइट कि आप एनवायरो ग्रुप एनवायरो ग्रुप की नॉलेज को लोगों से शेयर करें। एंड सो विद दैट आई एम, मैं अपने सेशन को यहीं ओवर करता हूं। बट कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, हमने इतनी सारी बातें करी, तो मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंटेशन मैं शेयर करने वाला हूं, जिससे आपको प्रूव होगा कि किस तरीके से आप एनवायरो चिप एनवायरो ग्लोब आपकी हेल्प करता है रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने में। अभी हम देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में रेडिएशन को खत्म तो नहीं कर सकते, बट प्रोटेक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास अभी हम ये एक डेमो के साथ दिखाएंगे, आप थोड़ा सा आगे आइए, इस तरीके से करिए। रोहित, आप इनको पुश कीजिएगा और आप इसको सपोर्ट करके रोकिए, पूरी ताकत के साथ रोक के दिखाना है। अभी फुल एनर्जी आपको दिखाई दे रही होगी कि रोहित जी इसको प्रेस कर रहे हैं लेकिन प्रेस नहीं कर पा रहे। जस्ट अभी फोन लो, तो दोस्तों ये फोन है, इसको मैं इनके हाथ में दे रही हूँ, देखते हैं किस तरीके से फोन हमारी लाइफ में हार्मफुल है। मैं इस फोन पर एक रिंग करती हूँ, आप भी उसी पोजीशन में खड़े हो जाइए। बेल जा रही है, आई भी है। तो आप फिर से टाइट, इसको बिल्कुल रोकना है, प्रेस करो। पावर कहाँ जा रही है आपकी? क्या फोन ने सारी पावर ले ली? चलिए अब हम देखते हैं। अब ये एक हमारा है प्रोडक्ट एनवायरो चिप, देखते हैं ये किस तरीके से रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है हमें। अब आप ये फोन लीजिए, मिलाइए। अरे चल, अब मैं दूसरे फोन से इनके फोन पे नहीं करती हूँ, इसमें चिप लगी हुई है। अब हम देखते हैं कदी वो, तो अब हम देखते हैं उसी पोजीशन में खड़े हो जाइए आप। हाँ, रिंग जा रही है, तो रोहित आप फिर से प्रेस कीजिए। देखा, ताकत ज्यादा लगा दी क्या? ये हमारा रेडिएशन चिप का कमाल है, एंटी रेडिएशन चिप का। तो ये इस तरीके से हमारे को प्रोटेक्ट करती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरीके से रेडिएशन एनवायरो चिप ने सेकंडों के अंदर हमारी एनर्जी को वापस कर दिया था, एंड नॉर्मल जो एनवायरो चिप प्रोटेक्टेड फोन नहीं था वो आपकी एनर्जी किस तरीके से सेकंडों में लॉस कर दी थी। तो दोस्तों जब कुछ सेकंड में आपकी बॉडी की एनर्जी कमजोर पड़ जाती है, तो व्हाई नॉट हम दोस्तों जिस तरीके से सेकंडों में हमारी एनर्जी कमजोर हो जाती है, तो व्हाई नॉट हम मोदी का एनवायरो चिप यूज करें। सो विद दैट आई एम द एंड एंड द बैक टू द आवर डायनामिक होस्ट वकार खान जी, ओवर टू यू वकार जी। थैंक यू अनिश जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमें बताया कि कैसे रेडिएशन एक मेजर प्रॉब्लम है, जिसका आपने नाम भी दिया, जिसे बेसिकली साइलेंट किलर कह रहे हैं आप, ठीक है। और इसको मारने के लिए, इसे खत्म करने के लिए मोदी केयर के पास एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब जैसे शानदार प्रोडक्ट है। और आपने हमें ये भी बताया कि कैसे ये एडल्ट पे, चाहे आपका खासकर बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट करता है, और आज के जो जनरेशन के बच्चे हैं जिनके पास तो ऑब्वियसली उन्हें खाना खाने आए ना आए, बट उनके पास फोन जरूर है, उनको इनफैक्ट फोन ऑपरेट करना भी आता है। तो ऐसे केस में एक एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब एक ऐसा प्रोडक्ट बन ही जाता है जो हमारे घर में होना जरूरी है। अब आइए जानते हैं, कुछ उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट का यूज करके अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाए, कुछ सक्सेस स्टोरीज को सुनते हैं कि क्या एक्चुअल में ये वर्क करता है, और करता भी है तो कैसे करता है।
तो इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा प्रवीणा जी को। प्रवीणा जी बहुत ही डायनेमिक लेडी लीडर है जो मोदी के बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रही हैं, और उन्होंने इस मोदी के ग्लोब को, सॉरी एनवायरो ग्लोब को और मोदी के एनवायरो चिप को बहुत ही जिसे कहते हैं नियर से एक्सपीरियंस किया है कि इसके क्या रिजल्ट्स हैं। तो प्रवीणा जी मैं जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करना चाहूंगा, काइंडली ओवर टू यू, आइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, यस प्रवीणा जी कंटिन्यू। ओके ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम प्रवीणा डेडिया है, मैं गांधीनगर गुजरात से हूँ और बाय प्रोफेशन मैं आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हूँ। मोदी केयर की 100% यूजर हूँ और गोवा की ट्रिप क्वालिफाई कर ली है, 16% अचीव कर लिया है और बहुत ही जल्द डायरेक्टर लेवल पर मैं पहुंचने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन समीर मोदी जी का को नमस्कार करती हूँ, क्योंकि वो हमको आसमान की ऊंचाई पर पहुंचे ले जाना चाहते हैं। सुरेखा भार्गव जी का जो हमारी हमारी बहुत ही अच्छी गाइडलाइन है, और मेरे अपलाइंस का जो मेरी हाथ मुझे हाथ पकड़ पर आगे ले जा रही है। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी सक्सेस स्टोरी कहूँ तो मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ और एक मम्मी पापा मीडियम क्लास घराने के थे, और लेकिन बहुत ही आराम से जिंदगी कट रही थी। 20 साल में ही मेरी शादी हो गई, बहुत बड़े घराने में, खानदान घराने में शादी हुई, और हस्बैंड बिजनेसमैन थे, उन्हें घूमने का बहुत ही शौक था। लेकिन मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, तो मैंने पहले पढ़ाई पूरी की, साइकोलॉजी में बीए किया, और हम लोग हर 6 महीने घूमने जाते थे और पूरा इंडिया घूम लिया है, लेकिन फॉरेन नहीं घुमा है, जो मैं मोदी कैश से पूरा करना चाहती हूँ मेरा सपना। दोस्तों, मेरी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी है जो स्कूल में पूरा करके वो कॉलेज यहाँ पे गांधीनगर गुजरात में पूरा करना चाहती थी कॉलेज की पढ़ाई। तो हम लोग 2008 में गांधीनगर में शिफ्ट हो गए। यहाँ आकर भी, यहाँ दादा भगवान त्रिमंदिर फाउंडेशन है जहाँ पे बहुत बड़ा त्रिमंदिर संकुल है, बहुत खूबसूरत सिटी है जहाँ पे हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए, और मैं यहाँ पे आके आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की जॉब चालू कर दी। और जैसे मुझे, मैं हमेशा पैशनेट रही हूँ कुछ भी काम करने के लिए, बैठे रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जैसे ही मोदी कैर मिला तो मुझे ये आगे बढ़ने का मौका मिला। आज मैं अपनी पूरी टीम के साथ बहुत ही जोश से आगे बढ़ रही हूँ, और मैं अपने सपने तो पूरे कर ही रही हूँ, लेकिन मेरी साथ साथ मेरी टीम के सपने भी पूरे कर रही हूँ, दूसरे लोगों के सपने भी पूरा करना चाहती हूँ जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपना एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव जो मेरी फैमिली के साथ, मेरी बेटी के साथ हुआ है, वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मेरी बेटी जो आज 30 साल की है और प्रोफेसर है कॉलेज में, और बहुत ही हार्ड वर्किंग है, कितना भी वर्कलोड हो कभी भी तनाव महसूस नहीं होने देती थी, हमेशा खुश रहती है और बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपना प्रोफेसर का रोल निभाती है। तो दोस्तों, जब ये लॉकडाउन हो गया तो उसका जो भी वर्क था वो टोटल ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। तो ऑनलाइन वो 12 से 15 घंटे ऑनलाइन सिखाती थी, सुबह 9 बजे से उसका क्लास शुरू हो जाता था, और मीटिंग अटेंड करना, बच्चों को पढ़ाना, पीपीटी करना, पेपर्स चेक करना, फिर एक्स्ट्रा जीटीयू के पेपर्स आते थे वो भी वो चेक करती थी। ऐसे करते करते 12 से 15 घंटे वो लगातार लैपटॉप पे काम करती थी दोस्तों। तो ऐसे करते करते धीरे 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 उसके नेचर में बदलाव आने लगा, जैसे कि थकान महसूस करना, थोड़ा अनइजीनेस महसूस करना, स्ट्रेस महसूस करना, और थोड़ा इरिटेशन, गुस्सा, ऐसा सब वो उसके नेचर में स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था तो मुझे पता चला कि एक एनवायरो ग्लोब है जो मोबाइल और लैपटॉप से निकलने वाले रेडिएशन से हमें बचाता है। तो दोस्तों, मैंने जब अपनी बेटी से बात की तो वो तो साइंस स्टूडेंट है, तो उससे तो विश्वास नहीं हुआ, और उसने सर्च करना शुरू कर दिया। तो उसने सर्च किया पूरा, तो उसके डॉक्यूमेंट्स देखे, रिसर्च पेपर्स देखे, और पैटर्न देखा कि ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड का पैटर्न है। और उसे ये सब सर्च करने के बाद उसे पक्का विश्वास हो गया कि नहीं, ये प्रोडक्ट काम करता ही है। तो दोस्तों, इमिजिएटली हमने वो प्रोडक्ट खरीद लिया, और धीरे धीरे दोस्तों ये एनवायरो ग्लोब ने अपना काम करना शुरू कर दिया।
जो प्रॉब्लम थे मेरी बेटी को, तो वो धीरे 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 सब सॉल्व होते गए, वो एकदम से नॉर्मल हो गई और आज वो अपने साथ हमेशा ग्लोब रखती है। आज उसका ऑफलाइन 1 महीने के बाद चालू हो गया है, 1 महीने से वो ऑफलाइन जा रही है, लेकिन वो अपने साथ गोइनवर ग्लोब लेके जा रही है, हमेशा वो अपने पास टेबल पे रखती है। दोस्तों तो दोस्तों ये बहुत ही एक अमेजिंग प्रोडक्ट मोदी केयर ने ढूंढ निकाला है। तो मैं तो हर हर एक माँ से पेरेंट्स से कहूंगी कि आजकल के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो उनका जो स्कैल्प है ये स्कैल्प बहुत ही डेलिकेट होता है, पतला होता है, सेंसिटिव होता है, तो ये जो रेडिएशन निकलते हैं मोबाइल और लैपटॉप में से वो कैचअप कर लेता है और पूरी बॉडी में उसका वाइब्रेशन आता है, जिससे मेमोरी लॉस होना, चिड़चिड़ापन होना और हार्ट में और ब्रेन के लिए तो वो बहुत ही नुकसानदायक है। दोस्तों जैसे ये अनिश जी ने बताया कि कितना खतरनाक है स्मोकिंग, हम कहे जैसे इस बच्चों को करने नहीं देते तो फिर हम वो जो रेडिएशन है उससे भी हमें इतना ही बच्चों को बचाना ही चाहिए। तो दोस्तों अगर हम अपने घर में वाटर प्यूरिफाई यूज करते हैं, एयर प्यूरिफाई यूज करते हैं, तो दोस्तों रेडिएशन प्यूरिफाई क्यों नहीं यूज कर सकते? जैसे कि हमको पता है कि ये कितने खतरनाक है, पहले मुझे पता नहीं था कि ये रेडिएशन भी होते हैं ऐसे जो इतने खतरनाक होते हैं, लेकिन मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद ये एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब के बारे में जब मुझे पता चला, तब मैंने ऑन द स्पॉट निर्णय लिया कि नहीं ये तो मुझे अपने घर में रखना ही है। तो दोस्तों हमें हमारी फैमिली की कितनी चिंता होती है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के, अपने खुद के लिए हम कितने ये अलर्ट रहते हैं, तो ये हर घर में हर पेरेंट्स को एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब अपने घर में रखना ही चाहिए। थैंक यू सो मच, ओवर टू वकार जी। थैंक यू प्रवीणा जी, लिटरली आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, और आपका एक सवाल था जिसका जवाब देना चाहूंगा कि हम घर में जो है एयर फिल्टर लगा लेते हैं, हम घर में वाटर फिल्टर लगा लेते हैं, हम घर में रेडिएशन फिल्टर या रेडिएशन प्यूरिफायर क्यों नहीं लगाते? तो ट्रस्ट मी, हमें लिटरली नहीं पता था, इनफैक्ट किसी को नहीं पता था, लेकिन आज आपने इतने खूबसूरत तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, डेफिनेटली हम सब अपने अपने घरों में जो है इस रेडिएशन फिल्टर को लगाएंगे और जो भी अपने खुद की भी प्रोटेक्शन करेंगे, अपने जितने भी क्या कहते हैं फैमिली मेंबर्स, उनके हेल्थ की भी प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छी सेहत एक वरदान है गाइज, अच्छी सेहत एक वरदान है। अगर आपके पास अच्छी सेहत नहीं है तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। तो विद दिस आज आपने सीखा, आज आपने देखा समझा कि मोदी केयर कैसे हमारे जो डिजिटल प्रेजेंस है और इस डिजिटल एरा में हमें चाहे हमारा सिक्योरिटी हो गया, हमारे डेटा सिक्योरिटी हो गया, हमारी प्राइवेसी हो गई, इनको प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ जो रेडिएशन एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है उससे भी हमें कैसे बचाता है। बट दिस इज नॉट द एंड। आज शाम 6:30 बजे हमारी जो ग्रेट ट्रेनर है बल्किश बेगम जी, वो हमें ट्रेनिंग देंगी कि कैसे हम अपने यहाँ के मोदी केयर की ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने स्किन को और अपने स्किन से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों को प्रमोट कैसे कर सकते हैं हम उनके बारे में। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप शाम में जरूर उन्हें अटेंड करें, ट्रेनिंग लें और चीजों को सीखें और ज्यादा से ज्यादा मोदी केयर प्रोडक्ट्स को यूज करें, उनके बेनिफिट्स लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करें। एंड विद दिस थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड ऑडियंस। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।